नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर भूलकर भी यह 5 गलती मत कर देना, जिसमें से यह पहली गलती हम वीडियो के शुरुआत में ही बता रहे हैं। कोई व्यक्ति जब राखी बांधते हो तो इस बार का जो रक्षाबंधन 30 अगस्त और 31 अगस्त को है, तो पहला मिस्टेक, सबसे बड़ी यही गलती, यह कुछ लोग रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएंगे और दिन के समय में आते हैं तो कहीं और जाना होगा, और शाम के समय तो कहेंगे कि हम कल भैया नहीं आ पाएंगे और आज ही राखी बांध देंगे, लेकिन 30 अगस्त को भद्रा काल में राखी मत बंधवाना। दोस्तों, तुम अगर बहना को नहीं रोक सकते तो ठीक है, तुम साफ साफ बोल दो, बहना तुम जाओ अपना काम कर लो, लेकिन जो 30 अगस्त के दिन भद्रा काल में भूल कर भी राखी मत बंधवाना, क्योंकि भद्रा काल में ही रावण ने लंकापति रावण अपनी बहन से राखी बनवाया था, जिसका पूरा परिवार एक साल के अंदर पूरा सर्वनाश हो गया। आप क्या सर्वनाश चाहते हो? अपना भाई का सर्वनाश चाहती है? ऐसी गलती यदि आप करती हुई या करवाते हो तो समझिए कि आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। अगर दोस्तों आपने रक्षाबंधन की जाने वाली पहली गलती सुन ली है तो बाकी की 4 गलती भी हाथ जोड़कर निवेदन है, सुनकर ही जाना, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, आज आपको हम खुल्लम खुल्ला साफ साफ बताने वाले हैं कि दोस्तों, कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार बना रहा है तो भूल कर भी यह गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और साथ ही कोई भी बहन या भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है तो शुभ मुहूर्त में ही अपने हाथों की कलाई पर राखी बंधवाए। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, राखी या रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्व है, जिसका इंतजार सभी बहनों और भाइयों द्वारा वर्ष भर उत्सुकता से किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती है और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह एक ऐसा लोकप्रिय त्योहार है जिसका इंतजार बहनें बहुत ही बेसब्री से करती है, क्योंकि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम को गहरा करता है। रक्षाबंधन भारतीय परंपराओं का एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ प्रत्येक सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, बहनें राखी बांधते समय इन 5 गलतियों को भूल से भी नहीं करना, क्योंकि 5 गलतियां बहुत बड़ी गलती, शायद भाई की मृत्यु भी हो सकती। दोस्तों, बहुत सारे भाई पर संकट आ सकता है, इस वजह से इन 5 गलतियों को भूल से भी मत करना, नहीं तो भाई का जीवन में कंगाली ही कंगाली, दरिद्रता हो जाएगा और आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। दोस्तों, इस वजह से इन गलतियों को भूल के भी बहने मत करना। यदि मेरा ये वीडियो स्त्रियां देख रही महिलाएं देख रही है तो अलग अलग सभी लोगों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ कौन सी गलतियां जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त? दोस्तों, साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया होगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन रक्षा करने का वचन देते। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है।
दोस्तों, आप रात्रि के समय में इस रक्षाबंधन पर्व को मना सकते हैं, लेकिन रात को नहीं चाहते हैं कि हम राखी का पर्व बनाएं, तो अब जो अगले दिन 31 अगस्त को सुबह के समय में पर रक्षाबंधन पर्व मना लें, क्योंकि बड़े ही आसानी से आप अगर 31 अगस्त को मनाते हैं तो बड़ी सुबह, क्योंकि रात को मना नहीं सकते, तो रात को मनाना चाहते तो भी सेलिब्रेट कर सकते, लेकिन अगर सुबह के समय में सेलिब्रेट करते तो सुबह का समय बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, इस वजह से आप 31 अगस्त को प्रातः काल कोई यदि आप विजय से रक्षाबंधन पर्व को मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन 30 अगस्त को दिन के समय भूल के भी मत मानिएगा। यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, आपका भाई का जीवन तबाह हो जाएगा और आप अपने भाई के दुश्मन बन जाएंगे। इस वजह से इन 5 गलतियों को भूल से भी मत करना। दोस्तों, 5 गलती अपनों से बड़ी संशय की बातें सोचने की बात है। क्या ऐसी गलतियां जो नहीं करना? दोस्तों, जी हां, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सकें आखिर वे कौन सी 5 गलतियां हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का बहुत ही अच्छा त्योहार माना जाता है। भाई बहन का प्रतीक बोला त्योहार है, भाई बहन का प्रेम व्यवहार है, तो इस दिन प्रत्येक भाइयों के पास, प्रत्येक बहनों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए ताकि वे बहनें राखी बांधते समय इन गलतियों को नहीं करें। प्रत्येक भाई को भी देखे कि क्या मेरी बहन ऐसी गलतियां तो नहीं करेगी ना, तो इन चीजों को बहुत बिजी करके ध्यान रखना है, नहीं तो आपके ऊपर जो संकट आ सकता है। तो चलिए हम लोग उन गलतियों को बड़ी ही बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी जाना मत बताइएगा चलेगा। दोस्तों, लेकिन भद्रा काल में राखी बंधवाने, अगले दिन सुबह मुहूर्त में राखी बांधना। दोस्तों, 5 गलतियां में से दूसरे नंबर की गलती बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि पहले नंबर की गलती हमने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। दोस्तों, दूसरे नंबर की बात है कि जब बहनें या भाई, जब राखी बांधने का जो समय होता, जब राखी बांधते समय पीछे जो है कपड़ा पहनना जरूरी होता है। दोस्तों, नए वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, और इस बार किए गए जो रक्षाबंधन देखा जाए तो बृहस्पतिवार को 31 अगस्त को बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो सब लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। तो 31 अगस्त का जो दिन है बृहस्पतिवार है, गुरुवार का दिन है, और इस दिन आप काला वस्त्र नहीं पहनेगा। दोस्तों, नीला भी कोशिश करेगा कि नीला चलेगा, लेकिन नीला उतना बेहतर ना, ये तो काला और सफेद भूल करके भी मत बने, क्योंकि सफेद जो शांति का और अशोक का प्रतीक होता, तो सफेद और काला बिल्कुल ही मत पड़ेगा। बाकी गुरुवार को देखा जाए तो पीला वस्त्र और लाल गुलाबी पहन लेते तो बहुत शुभ होता है। इस वजह से इन दिनों में आपको दूसरा गलती मत करिएगा। दोस्तों, मतलब वस्त्र पहनते समय आप काला, नीला या सफेद भूलकर के लिए मत पहनना। तीसरे नंबर की बात की, जब राखी बांधते समय गीता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, जितना चाहे उतना या बढ़ सकते हैं। भाई का मुख पूरब की तरफ करके, पश्चिम की तरफ करके, उत्तर की तरफ कर दे, लेकिन कभी भी मुख जो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, दक्षिण की तरफ बहुत ही अशुभ होता है। बजे पूरब कर ले पश्चिम, कलाबाई का मुख उत्तर का, बाहर का मुख जो पश्चिम उत्तर, कुछ कोई दिक्कत है का मुख जो पूरब से बाहर पश्चिम हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिण दिशा में भाई और बहन दोनों का मुख कुछ भूल से भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही बड़ा कारक होता है। चौथे नंबर की बात, जो सबसे बड़ी गलती करते उस गलती को तो अधिकतर लोग हर साल दोहराते हैं।
वो बहने ध्यान न दे जो भाई भी ध्यान नहीं देता। बस यूं ही जल्दी जल्दी में राखी बंधवा लेते हैं, अरे भैया को कौन सी जल्दी है, थोड़ा सा बेसब्री से कर लो। साल भर में तो एक ही बार तो आता है, इस रक्षाबंधन का पर्व अड़ोस में भी जाते हैं तो बहने ध्यान से सुने। जब आप भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करती है, रोरी लगाती है, चंदन लेती है और अक्षत का जो तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि अक्षत में माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान गणेश का भी वास होता, तो अक्षत जब लगाते हैं तो जो अक्षत आप यूज करते हैं वो अक्षत के साथ पुराना चावल तो नहीं या कोई टूटा हुआ चावल तो नहीं, गंदा चावल तो नहीं है। और उस अक्षत में यदि आप हल्दी मिला दे तो बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन भूल करके भी वो चावल जो खंडित नहीं होना चाहिए, खड़ा चावल, कुछ चावल बस भिगो दो, ही चावल के पांच चावल रखे लेकिन वो खंडित नहीं हो, चाहे चावल का ही चावड़ा करे, खंडित चावल का जो तिलक करने से आपका भाई के भी जीवन में संकट आने लगता, पर भाई का जीवन अखंड हो जाएगा, भाव जो साथ कभी नहीं रहेगा। और यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो पांच नंबर की जो गलती है कि जब मैं मार्केट से राखी खरीद करके लाती हूँ तो उसमें बड़े ही बारीकी से राखी को देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ राखी खोलते वक्त कुछ धागे टूट गए उसमें रहते हैं, तो टूटे हुए धागे को कुछ बहने गांठ लगा करके और भाई के फीते बांधती, ऐसी गलती भूल कभी मत करिएगा, आपके भाई के जीवन में गांठ पड़ जाएगा, आप दोनों के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है उसमें गांठ पड़ जाएगा। इस वजह से बहने ऐसी गलती मत करिए, क्या अपना जीवन भंग करना चाहती, भाई से रिश्ता तोड़ना चाहती है, ना आपके भाई बहन के जो बीच में प्रेम का जो धागा बांधा गया उस प्रेम के धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात टूटा हुआ धागा हो तो उस राखी को ना बांधे बेहतर है। बढ़िया राखी, अच्छी राखी, वादे भूल कर भी काली राखी नहीं होनी चाहिए। जब राखी को काली राखी नहीं बांधना, उस पर जो भी लगे होते हैं काला कलर का नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी राखी बांधते हैं तो राखी अपने भाई की कलाई में जरूर बांधते हैं। यदि भगवान के माथे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और सबसे पहले अपने भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले भगवान श्री गणेश को राखी जरूर मानिएगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं, और कोई भी पूजा अनुष्ठान का काम होता तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा किया जाता। तो रक्षाबंधन के दिन यदि सबसे पहले एक राखी भगवान श्री गणेश के चरणों में रख देते हैं तो भगवान गणेश का मतलब कि कृपा आपके घर पर परसाझा आपके ऊपर बरसती है, तथा भाई बहन के बीच का प्रेम हमेशा स्थापित रहता है, उनके जीवन में खुशहाली आती है। इस वजह से राखी बांधने से पहले भगवान श्री गणेश को एक राखी जरूर। बस इन पांच गलतियों के बारे में मैंने बताया, क्योंकि इन गलतियों को यदि बहाने करते हैं तो समझो एक भाई का जीवन संकट में पड़ जाएगा। भूल से भी इन पांच गलतियों को मत करिएगा, वरना आपके भाई के बीच में रिश्ता में खोट आ जाएगा।